Welcome to my channel YouTube, Candid Maths Tricks. हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैंडिड मैथ्स ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे एलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड है आरडी शर्मा। तो एलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरडी शर्मा से आपको बता रहे हैं जो सीबीएसई एग्जाम बोर्ड में आते भी हैं। तो चलिए दोस्तों, कहता है कि इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन, देन प्रूव दैट एम स्क्वायर एन रेज टू पावर टू अपॉन थ्री प्लस एम एन स्क्वायर रेज टू पावर टू अपॉन थ्री इक्वल टू एन। तो वी हैव कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम एंड sec theta माइनस cos theta इक्वल टू एन। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम दिस इंप्लाइज दैट cosec theta को 1 अपॉन sin theta माइनस sin theta इक्वल टू m एंड sec theta को 1 अपॉन cos theta माइनस cos theta इज इक्वल टू n, then we can write LCM, taking LCM, तो denominator में sin theta 1 है, तो LCM क्या होगा, sin theta को sin theta से divide करेंगे तो 1 होगा, तो ये 1 minus sin square theta is equal to m होगा, and अगेन टेकिंग एलसीएम ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1, तो कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन। नेक्स्ट है, दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एम एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एन। यहां हम लिख सकते हैं सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले से हम यहां पर इसको कन्वर्ट कर दिए। नेक्स्ट है दोस्तों, हम ये देखते हैं कि हम प्रूफ क्या करना है कि एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर एन रेज टू पावर टू अपॉन थ्री प्लस एम एन स्क्वायर रेज टू पावर टू बाई थ्री। इसकी हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या होगा, इसमें यहां पर एम की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो हम क्या रखेंगे इसको, कॉस ये स्क्वायर में है तो क्या लिखेंगे, कॉस फोर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई एन की वैल्यू क्या लिखा है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद है नेक्स्ट, इसकी पावर टू बाई थ्री प्लस और एम की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई और एन स्क्वायर, एन इक्वल टू क्या है, साइन फोर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे, इसकी पावर क्या है, टू बाई थ्री। नेक्स्ट है इज इक्वल टू, इसमें कुछ कैंसिल होगा तो इसको लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगी ये कॉस क्यूब थीटा टू अपॉन थ्री प्लस साइन और कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से होगा साइन क्यूब थीटा रेज टू पावर टू बाई थ्री और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसको लिखेंगे हम कॉस थीटा और पावर को बाहर करेंगे टू अपॉन थ्री प्लस साइन थीटा और थ्री क्रॉस टू अपॉन थ्री, थ्री थ्री कैंसिल। और नेक्स्ट है
ये होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, विच इज ए प्रूव। तो इस तरह से दोस्तों हम और भी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, प्रूव दैट कास स्क्वायर थीटा प्लस कास पावर फोर थीटा इक्वल टू वन। तो सिंस वी हैव साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, दिस इंप्लाइज दैट यहां साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हम ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। देन नाउ कहता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर यहां पर, तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है साइन थीटा है, तो यहां पर हम इसके बाद क्या होगा दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहां लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की पावर टू इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, विच इज ए प्रूफ। तो ये हो जाएगा इसका वन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा एंड मल्टीप्लाई वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू टू, हमें ये प्रूफ करना है। तो देन वी हैव एलएचएस इज इक्वल टू क्या होगा वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको हम लिखेंगे वन प्लस और यहां कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा, इसके बाद वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा, सॉरी। नेक्स्ट है दोस्तों दिस इज इक्वल टू जब एलसीएम लेंगे तो इसको वन लिख सकते हैं यहां पर साइन थीटा तो इसका एलसीएम क्या होगा साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन होगा। नेक्स्ट है इसका एलसीएम कॉस थीटा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस और ये वन होगा। नेक्स्ट है इसमें स्टेप में क्या लिखेंगे इसको अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा, फिर इसके बाद है इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा। तो ए माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूले से हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद में दोस्तों इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हम तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन अपॉन
और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट पेज पर क्या होगा दोस्तों, एलएचएस इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन अपान, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट है एलएचएस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन अपान, और ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो ये एलएचएस इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, तो कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से हमें एलएचएस इक्वल टू टू इक्वल टू आरएचएस मिलेगा। तो ये रहा हमारा आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों एक और क्वेश्चन है, वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है। तो वी हैव एलएचएस इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस, ये हो जाएगा साइन थीटा। इसको हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, रेशनलाइज कर देंगे तो वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये होगा वन माइनस साइन थीटा स्क्वायर, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी से वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है वन माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस टू ए, और ये बी अपान, और ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इसको लिख सकते हैं, वन मिनट दोस्तों, ये होगा वन माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा स्क्वायर अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है हम इसको लिख सकते हैं वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा स्क्वायर। इसके बाद है वन अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आरएचएस। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह से दोस्तों हम और भी क्लास टेंथ के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो पर देंगे। इस तरह से आज हम इतना ही बता पाएंगे, और विदा लेते समय हम यही कहेंगे कि यदि हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल सके।